हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही इजी डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 6 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। तो मैंने इस सिलाई में 31 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 33 फंदे डाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे सीधे बुनें। लास्ट तक ये सारी सिलाई हमने सीधे सीधे फंदों की बुन लेनी है। तो ये हमारी एक नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई को अब उल्टे हाथ की सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बुनना है। देखिए, पहला फंदा उतारें, एक फंदा उल्टा बुनें। इसके बाद अब हमने अगले 5 फंदों को 2 बार धागा घुमाकर बुनना है। देखिए कैसे करना है। ये एक फंदा में अब ये हमने फंदा बुनना है तो पहले एक बार धागा घुमाएंगे, फिर दूसरी बार धागा घुमाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। फिर हम एक बार धागा घुमाएंगे, दूसरी बार धागा घुमाएंगे और फंदा बुन लेंगे। ऐसे हमने 5 फंदे 2 बार धागा घुमाने के बाद बुनने हैं। तो देखिए, ये मैंने एक फंदा उल्टा बुना और ये 5 फंदे मैंने 2 बार धागा घुमाकर उल्टे बुने। तो इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बुने, अगले 5 फंदों को 2 बार धागा घुमाकर उल्टे बुने। ध्यान से देखिए, पहले ये एक बार धागा घुमाना है और फिर दूसरी बार। देखिए, ये 5 फंदे हमारे उल्टे 2 बार धागा घुमाकर बुने। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें, एक फंदा उल्टा बुने, अगले 5 फंदे धागा घुमाकर बुने। फिर एक फंदा उल्टा बुने, फिर 5 फंदे धागा घुमाकर बुने। फिर एक फंदा उल्टा बुने, 5 फंदे धागा घुमाकर बुने। अब ये जो प्लस वाला फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे और किनारी वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। अब 3 नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुनें। एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब ये जो हमने 5 फंदे 2 बार धागा घुमाकर बुने थे इन्हें हमने खोल लेना है। देखिए कैसे करना है। ऐसे सभी फंदों को हमने खोल लेना है। खोलने के बाद ये दोबारा हमने उल्टे हाथ की सिलाई पर लाना है और ऐसे ये 5ों फंदों से हमने पीछे से बुनते हुए 5 फंदे बनाने। देखिए कैसे करना है। पहले एक फंदा बुने, धागा घुमाएं, फिर एक फंदा बुने, धागा घुमाएं, फिर एक फंदा बुने। तो ऐसे हमारे ये 5 फंदों से 5 फंदे बन जाएंगे।
आगे फिर इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुनें, पांचों फंदों को खोलें, खोलने के बाद उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए पांच फंदों के पांच फंदे बनाने हैं। एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, फिर एक फंदा सीधा बुनें, फिर धागा घुमाएं और फिर एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये पांच फंदों से पांच फंदे बना लेने हैं और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने लास्ट के एक फंदे तक ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब ये जो लास्ट का प्लस वाला और किनारी वाला फंदा है उन्हें दोनों को सीधा। चार नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को उल्टा बुनें। जो ये हमने पांच फंदों से पांच फंदे बनाए हैं इन्हें भी हमने उल्टा बुनना है। तो ये सारी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। अब पांच नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को सीधा बुनें। छह नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, चार फंदे उल्टे बुने। अब चार फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने पांच फंदे दो बार धागा घुमाकर बुनने हैं, क्योंकि जो ये हमने ये डिज़ाइन है ना, ये जो दो डिज़ाइन है हमने इनके सेंटर में ये अगला डिज़ाइन शुरू करना है। तो हमने ये एक सेंटर वाला फंदा लेना है जो हम पहले सीधा बुन रहे थे और दो दो दोनों तरफ से दूसरे डिज़ाइन के। तो इस हिसाब से आप ये बीच वाले पांच फंदे धागा घुमाकर बुनेंगे और साइड वाले फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये मैंने चार फंदे उल्टे बुन लिए, उसके बाद ये पाँच फंदे मैं धागा घुमाकर बुनूँगी। तो ये पांच फंदे मैंने दो बार धागा घुमाकर बुन लिए। अब फिर पहले वाला ही पैटर्न, एक फंदा उल्टा बुने, फिर पांच फंदे धागा घुमाकर बुने, एक फंदा उल्टा बुने, पांच फंदे धागा घुमाकर बुने, एक फंदा उल्टा बुने, पांच फंदे धागा घुमाकर बुने, तो
अब इसके बाद ही हमारे पास पांच फंदे रह गए हैं, तो हम ये पांच फंदों को उल्टा बुनेंगे। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, चार फंदे सीधे बुनें। ये चार फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने पहले वाला ही पैटर्न यूज़ करना है, पांचों फंदों को खोलना है और उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाने के बाद पीछे से बुनते हुए पांच फंदों के पांच फंदे बनाने हैं। एक फंदा बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। तो ऐसे हम ये पहले की तरह ही पांच फंदों से पांच फंदे बनाते जाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदों का पांच फंदों को खोलने के बाद पांच फंदों के पांच फंदे बनाएंगे। तो अब ये लास्ट के पांच फंदों तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये अब हमारे पास लास्ट में पांच फंदे रह गए हैं, तो हम इन पांचों फंदों को सीधा बुनें। आठ नंबर सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनें। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमने ये आठ सिलाइयाँ रिपीट करनी हैं और हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।